जय श्री सीताराम। वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल इन दिनों मैं आपको बता रहा हूं, और आज का जो वीडियो है ये सिंह राशि के लिए है। हाँ जी, सिर्फ सिंह राशि वालों का वर्ष 2024, संपूर्ण वर्ष 2024 कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को हाल फिलहाल में ही देख रहे हैं, तो आपको सिंह राशि तक पांचों राशियों के वार्षिक राशिफल मिल चुके हैं, लेकिन हो सकता है आप इस वीडियो को एक वीक बाद देख रहे हो, है ना, तो आपको सारे राशियों के राशिफल मिल जाएंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा, कहाँ ढूंढ पाएंगे आप ये सारे राशिफल, तो इसके लिए एक व्यवस्था की है, एक सिस्टम है। यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट होती है, प्लेलिस्ट अलग से एक चैनल पर बना दी जाती है, तो वी एस एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट वार्षिक राशिफल में आपको ये सारे राशियों के राशिफल मिल जाएंगे, या फिर जहां तक अपलोड हुए हैं आप ये मानिए कि यहीं तक अभी बने हैं, और हो सकता है आप ऐसे वक्त में देख रहे हो जब 12 के 12 उसमें अपलोड हो चुके हों, है ना। तो आप वहां जाकर के जो भी आपकी राशि है, आपके अपनों की राशि है, वो देख सकते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि देखिए, अपनी राशि तो जरूर देखना ही चाहिए, लेकिन अपनों की राशि भी देखना चाहिए। मैं कई बार ये एग्जाम्पल दे चुका हूं कि किसी ने खुद की राशिफल तो देखा, वो ठीक है, लेकिन अपनों का, आपने बच्चे का राशिफल देखा और उनके बच्चे का एक्सीडेंट होने से रुक गया। मैं कई बार ये एग्जाम्पल दे चुका हूं, तो अपनों का राशिफल भी देखें। मुझे भी याद आता है जब मैं छोटा था, जब ज्योतिष को उतना मैं जानता नहीं था, समझता नहीं था, पढ़ाई करते थे और छोटा था, हाई स्कूल में भी नहीं था, उससे भी पीछे, तो जब भी नया वर्ष आता था तो बड़ी उत्सुकता होती थी कि भाई अगले साल की पढ़ाई में कैसा क्या रहेगा, स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, कहीं घूमने फिरने आज जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कोई नई चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ बेहतरी है या नहीं है। और फिर बाद में जैसे ज्योतिष को समझने लगा, तो सबसे पहले मैं अपना, जब मैंने सीखा ना ज्योतिष, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने ज्योतिष सीखा तो मैं खुद पे अप्लाई किया। हाँ जी, मैंने खुद पे अप्लाई किया, मैंने कभी दूसरे, शुरू शुरू में 20-25 साल पहले दूसरों पे अप्लाई नहीं किया कभी ज्योतिष, मैं खुद पे अप्लाई करता था कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए कैसा निकल रहा है, मेरी कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं तो मेरे साथ क्या हुआ था, उस समय क्या जो हुआ था वो किस ग्रह की वजह से हुआ था, मैं ऐसे सीखा हूँ ज्योतिष। और फिर उसके बाद में फिर पढ़ाई की, पहले उत्सुकतावश खुद की कुंडली या खुद का समय देखा, खुद का भविष्य जानने की कोशिश की, और फिर पढ़ाई की, फिर सीखे, और फिर डिग्री ली, और फिर एक्सपीरियंस धीरे धीरे होता गया, कुंडलियां, फिर नई कुंडलियां, दूसरों की कुंडलियां आई, फिर धीरे 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 कारवा ऐसा चलता गया, ऐसा चलता गया कि आज इतने साल, कई साल हो चुके हैं, हाँ दशक हो चुके हैं, और आप सभी की कुंडली देखते देखते सुबह से लेकर शाम कैसे निकल जाती है, चाहे रविवार का दिन हो, चाहे दिवाली का दिन हो, चाहे होली का दिन हो, कुछ भी दिन हो, हर रोज कुंडली तो मुझे देखना ही पड़ती है, नहीं देखूंगा तो काम पेंडिंग हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो प्रभु की कृपा है, श्री गौरी शंकर जी की कृपा है, श्री सीताराम जी की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। चलिए, तो सिंह राशि यदि आपकी है तो आप इस वीडियो को देखिए, और नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से आपके आने वाले वर्ष के बारे में बात करेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य, घर परिवार की स्थिति के बारे में बात करेंगे, और फिर उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस वर्ष खास तौर पर अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीने हैं, ये आपको बहुत बहुत खास, बहुत विशेष तौर पर सफलता दिलाने वाले मुझे दिखते हैं, खास तौर पर नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन यदि आप करते हैं तो। अप्रैल, मई, जून, देखिए, नौकरी करते हैं तो इस बीच में आपका प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, अप्रेजल हो, व्यवसाय करते हैं तो भी इस बीच में आपका व्यवसाय और ज्यादा आगे बढ़े। हालांकि जो अप्रैल, मार्च, अप्रैल का समय होता है, नए फाइनेंशियली नए वर्ष की स्टार्टिंग का समय होता है या एंड का समय होता है, मार्च को हम एंड बोलते हैं, अप्रैल को हम स्टार्टिंग बोलते हैं, व्यावसायिक तौर पर, व्यावसायिक नए साल की, फाइनेंशियल न्यू ईयर की।
तो जो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो फाइनेंशियल न्यू ईयर जैसे ही शुरू होगा, तो चाहे आप नौकरी कर रहे होंगे, चाहे व्यवसाय कर रहे होंगे, चाहे प्रोफेशनल होंगे, आपको शुरुआत से ही लाभ देखने को मिलेगा, आपको शुरुआत से ही उन्नति देखने को मिलेगी। और जब आपको उन्नति देखने को मिलेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का ये जो पीरियड है, ये आर्थिक दृष्टिकोण से आपको बहुत मजबूत करेगा। अब देखो प्रैक्टिकली थोड़ा समझिए कि यदि आपका अप्रैल, मई, जून में मान के चलो नौकरी में इंक्रीमेंट हुआ, या फिर व्यवसाय आपका अच्छा खासा बढ़ गया, या आपको इसमें फायदा मिला, तो एकदम से 1 महीने, 2 महीने में आप उतना इकट्ठा नहीं कर सकते पैसा, उतना धन आपके पास नहीं आएगा। लेकिन 2, 3, 4 महीना रुक जाएंगे, तो उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो वही बात है कि अगस्त सितंबर में आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो, इसका योग बनते हुए नजर आते हैं। अब यहां पर अगस्त सितंबर में मैं ये भी कहूंगा कि पैतृक संपत्ति के यदि कहीं आप हकदार हैं, कोई मतभेद चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी घर परिवार में, तो वो मतभेद खत्म होकर के आपको आपकी पैतृक संपत्ति मिले, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बात है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन कौन सा वक्त अच्छा है मैंने आपको वो बताया, किस आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि अर्थ पैसा जो है ना, वो आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन से भी आता है, आपके इन्वेस्टमेंट से भी आता है, आपके पैतृक संपत्ति से भी आता है। तो इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से अप्रैल, मई, जून और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा वक्त है, इस समय का आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा और सुख, भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी इस समय। धन की उपलब्धता आपकी बहुत अच्छी रहेगी। एक बात और यहां पर कहूंगा कि स्थानांतरण के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। खास तौर पर यही जो पीरियड है, मई, जून, अप्रैल, इस पीरियड में आपका स्थानांतरण हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अब यह स्थानांतरण यदि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में है तो फायदे का रहेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई में यदि आपका स्थानांतरण हो रहा है, कई नई जगह पर आप जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप तनाव में रहें और उतना अच्छा आप परफॉर्म न कर पाए। जैसे अप्रैल, मई, जून में यदि आप स्थानांतरण लेते हैं और आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कई दूसरी जगह पर जा रहे हैं, मेरा कहना यह बनता है कि इस बीच में आप न जाए, सेकेंड हाफ में जाए। सेकेंड हाफ मतलब जून के बाद, खासतौर पर जुलाई, अगस्त, सेप्टेंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप जाए कहीं बाहर, सेकेंड हाफ में बाहर जाएं, स्थानांतरण लें, या नए इंस्टीट्यूट में जाएं, नए कॉलेज में जाएं, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। फर्स्ट हाफ आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है। फर्स्ट हाफ में चिंता, तनाव की स्थितियां आपको ज्यादा लगेगी, ये बात मैं कहूंगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आपका लॉस होगा। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो मेहनत, कड़ी मेहनत आपको निसंदेह सफलता दिलवाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं, आपकी सफलता के योग है। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, खासतौर पर अप्रैल, मई, जून में। तो पढ़ाई लिखाई करने वाले जातकों के लिए सेकेंड हाफ, जून के बाद का जो समय है, वो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए जून के बाद का समय बहुत अच्छा है वर्ष 2024 का। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा। आपसी तनाव हो सकता है, खासतौर पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपसी मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा पूरे वर्ष भर की बात करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। खास तौर पर फरवरी, मार्च, अप्रैल ये पीरियड जो है, ये पुराने रिश्तेदारों से और मिलाने वाला है आपको। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग का ये मुझे समय, वक्त बनता हुआ नजर आता है। दिसंबर का जो समय है, नवंबर का जो समय है, ये भी मुझे मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग का दिखता है। पारिवारिक स्थिति और बेहतर होगी, लेकिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। पारिवारिक स्थिति में दूरी आ सकती है, लेकिन जो दूरी आई है वही नवंबर, दिसंबर उसको वापस से करीब कर देगा, पास कर देगा। तो मैं समझता हूँ कि वर्ष का शुरुआती समय और वर्ष का आखिर का समय पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, और कोई भी समस्या थी तो वो खत्म होने वाली, पारिवारिक दृष्टिकोण से समस्या खत्म होगी। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखो, मानसिक तौर पर तनाव रहेगा, फिजिकली तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखती। हाँ, यदि कोई बड़ी समस्या आ जाए, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तो आपको अपना ध्यान रखना ही है, लेकिन ऐसी कोई मुझे बड़ी भगवान की कृपा से कोई समस्या नहीं दिखती। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब गुस्सा, चिढ़, क्रोध, चिंता, तनाव, एंजाइटी,
फिजूल की थिंकिंग, ये मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है, और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ, इस चीज का ध्यान रखिए। इससे बचेंगे कैसे? तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। अभी मैं आपको उपाय बताऊंगा, वो उपाय भी कीजिएगा, उससे भी बचेंगे। बाकी भगवान की कृपा से समय अच्छा है। खासतौर पर यह मानसिक तनाव अप्रैल मई जून में ज्यादा हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है। मानसिक तनाव से बचिए। हाँ, कैसे बचेंगे, क्या उपाय, क्या करने चाहिए? तो देखिए, सिंह राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूं कि हर रोज सुबह शिवलिंग पर यदि आप जल चढ़ाते हैं तो मानसिक तनाव आपको नहीं होगा, पहली बार। बाकी मानसिक तनाव को छोड़ भी दिया जाए, चाहे आपके पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, इन सारे दृष्टिकोण से बात करें तो आपको हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और हर रोज सुबह सूर्यदेव पर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में जल लेकर के शुद्ध जल आप सूर्य देवता पर चढ़ाएं। तांबे के लोटे में जो जल है उसमें भी लाल फूल भी दिया रख लें तो ये भी बहुत अच्छा होता है। हनुमान जी के मंदिर जाना, खासतौर पर हर शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो यहां पर हमने चर्चा की है सिंह राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में, वर्ष 2024 सिंह राशि के लिए कैसा होगा इस बारे में। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मुझे बताइएगा जरूर कि कैसा लगा, पसंद आया, और नहीं भी पसंद आया तो बताइए क्या पसंद नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।